अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? मैं आपका जो है दोस्त दानिश आरिफ, और आप दोस्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वोसिया फैंसी वर्ड्स। और आज की जो व्लॉग सीरीज़ है उसका जो है वो हमारी जो है वो थर्ड व्लॉग आज जो है वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। इस टाइम जो है वो सवा चार साढ़े चार का जो है वो ऑलमोस्ट टाइम है, और हम जो है वो इस टाइम अपने कज़न्स के जो है वो पास खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन जो है वो एक घंटा हुआ मैं यहाँ पर अराइव हुए खैरोवाल में, और अभी जो है वो हम जा रहे हैं गंगा चोटी जा रहे हैं जी हम सब दोस्त जी। अच्छा जी, आज जो है वो हम आपको जो व्लॉग है वो आपको गंगा चोटी बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको हम आपको इंशाल्लाह, ये हमारे सारे के सारे कज़न हैं ठीक है, जिनके पास हम काफ़ी टाइम के पास जो है वो आपको पता है कि मसरूफियात जिस तरह की काम की होती हैं उसके बाद आज जो है वो आए। और ये माशाल्लाह जी भाई यूनान से आए हुए हैं, ग्रीस से, और ये भी कज़न है, ये भी कज़न है, ये भी कज़न है ठीक है जी। और हमारा तो गैंग आपको पता ही है ऑलरेडी ठीक है जी। और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो अभी आपको काफ़ी सफ़र है, तो इंशाल्लाह आगे जाके अब आपसे जो है वो इंशाल्लाह वीडियो में ज्वाइन करेंगे। जी तो दोस्तों हम लोग जो है वो इस टाइम कोटली आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, और अभी इस टाइम रियान मोटर्स पे जो है वो हम मौजूद हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मानी भाई हैं हमारे पास ठीक है, और जो रियान मोटर्स के ओनर हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आज़ाद कश्मीर की आपको पता है कि लोगों की एक शान है जी मोहब्बत, जो कि एक इनके दिलों में कूट कूट के भरी होती है। और इस टाइम अगर आपको मैं पीछे से दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत एक डैम का मनाजर आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें। जी तो अब माशाल्लाह जो है वो हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हुए हैं, ये हमारी गाड़ियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम इंशाल्लाह पहुंचने लगे हैं, और पहुंच के जो है वो अब आप सब दोस्तों से जो है वो मुलाकात होती है। ये एरिया देखे माशाल्लाह खूबसूरत।
दोस्तों हम लोग जो है वो माशाल्लाह इस टाइम जो है वो रात को रेस्ट हाउस में ठहरे थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी इधर, ऑलमोस्ट कह लेंगे 3 डिग्री टेम्परेचर था इधर, और अभी स्टिल जो है वो इधर मैक्सिमम टेम्परेचर 7 डिग्री है। बहुत ही खूबसूरत मनाजर आपको जो है वो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, जो टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जो है वो ये ख़ास तौर पर मेरी वीडियो है, और जिनको जो है वो यहाँ के मनाजर दिखाए जा रहे हैं ख़ास तौर पर। और कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जो है वो हम आगे जो है वो रात को नहीं निकल सकते थे, रात को जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है, इलाका भी जो है वो ख़तरनाक है। अभी के लिए जो है वो हम इंशाल्लाह यहाँ से गंगा चोटी के लिए निकल रहे हैं, और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह जो है वो आप सब दोस्तों को यहाँ के मनाजर भी दिखाए जाएंगे, और अभी जो है वो आप सब दोस्तों को अपने सारे स्क्वाड के साथ मिलाते हैं। जी तो दोस्तों हमारा सारा स्क्वाड जो है वो इस टाइम सुबह 9:30 बज रहे हैं, और हम लोग जो है वो अब यहाँ से रेडी हैं, सारे रेडी हैं। ठंडा इतना पानी था कि बड़ी मुश्किल से जो है वो खाली हमने मुंह हाथ बड़ी मुश्किल से धोया है। ये जिगरे वाले बंदे ने जो है वो सुबह सुबह 7 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाए हैं, ठीक है। ये सारे बंदों के अंदर ये मानी भाई ने जो है वो ठंडे पानी से, इतना ठंडा पानी है कि बिलीव करें कि अभी तक स्टिल हाथ जो है वो गर्म नहीं हो पा रहे। तो बहुत खूबसूरत जगह और ठंडी जगह, इसको जो है वो आप देख के अपनी जो है वो थकावट उतार सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके अपनी बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो है वो अब आगे वक्तन बवक्तन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, लाइक अभी दिसंबर जैसे स्टार्ट होगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक से इधर प्रॉपर जो है बर्फबारी यहाँ पे 8 फीट के जो है वो बराबर इनका कहना है, रेस्ट हाउस जो रन कर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पे 8 फीट के मुताबिक जो बराबर जो है वो बर्फबारी होती है। अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह, तो आप सब दोस्तों से जो है वो आगे जाके मुलाकात होगी। जी तो दोस्तों हम लोग जो है वो गंगा चोटी के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं, और ये भाई सिर्फ मेरे तक यहाँ तक आ सका है मेरे साथ, और ये बिल्कुल लास्ट है गंगा चोटी, ठीक है जी। इसके लिए जो है वो हमने सारा व्लॉग क्रिएट किया, और अभी अबरार भी आते हैं, आ जाओ अभी अबरार भी आते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है वो हम लोग ऊपर चढ़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर है ये, लास्ट जिसको कहते हैं पहाड़ी है ये, ठीक है। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अगर खूबसूरत तरीन वादियों में से अगर कोई चीज़ है तो वो ये है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये वो हमारे साथी जो है वो नीचे वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यार हाथी बहुत ज़्यादा ऊपर, लेकिन बस कोशिश की कि यार आप सब दोस्तों को जो है वो पूरी चोटी पर इंशाल्लाह जाके फिर व्यू दिखाया जाए। और आई होप आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर इस एरिया को शेयर कीजिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है ये, मोस्टली जो है वो लोगों को इस चोटी के बारे में पता ही नहीं है, इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और देखने लायक है, कह लेंगे अगर आपको सही अगर अपनी इंजॉयमेंट करनी है, पिकनिक करनी है, तो ये बहुत अच्छा व्यू है। ये देखें ज़रा, बहुत ही अच्छा व्यू, वो पीछे अबरार साहब भी खड़े आपको नजर आएंगे,
तो अब जो है वो हम बिल्कुल लास्ट पे चलेंगे, ठीक है। अभी मैं सांस लेने के लिए खड़ा हुआ था, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह आपको ऊपर जाके भी जो है वो मैं आपको लास्ट पे जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम एहसान से माशाल्लाह हम पूरे एंड पे पहुंच चुके हुए हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप सब दोस्तों से जो है वो प्रॉमिस भी किया था पिछले इस व्लॉग में, पिछले जो है वो वीडियो क्लिप्स जब हम लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर कोटली वगैरह में हमारा स्टे था, रेस्ट हाउस में भी स्टे था, तो हम लोगों ने आपसे जो है वो गंगा चोटी के बारे में जो है वो बात की थी कि हम लाहौर से बेसिकली जो है वो आए किसी और मकसद से थे, लेकिन कज़न्स हमारे जो है वो यहाँ पे रहते हैं जिन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया कि बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत दूर, ठीक है, आज़ाद कश्मीर में ये पाई जाती है जगह। लेकिन अगर आप इस जगह के बारे में बात करें तो बिलीव करें कि यार मैंने लास्ट टाइम जो है वो हम सवात गए थे, सवात भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इसकी भाईजान कोई रीस नहीं है, ठीक है। एंड जगह भाई, एंड लेवल इस जगह का माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती अल्लाह पाक ने जो है वो इधर बनाई हुई है। और हमने जो है वो बहुत नीचे से जो है वो सफ़र किया, उम्मीद तो नहीं थी कि यहाँ तक आएँ, लेकिन बस अल्लाह रसूल का नाम लिया और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पे पहुँच चुके हुए हैं। अभी ये आपको दिखाते हैं, अबरार कैमरा दिखाएँ ज़रा, ये हैं जी अबरार साहब, ठीक है, और मैं हूँ, अबरार साहब हैं और एक और भाई हैं, बाकी कुछ ये नीचे खड़े हुए हैं और कुछ वो खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अबरार साहब कैसी सिचुएशन है आपकी? फुल टाइम सांस आ रहा है, कोई नहीं आ रहा? फुल सांस फूले हुए हैं जी, और क्यों नहीं फूलेंगे जब टॉप आप चोटी पे जो है वो आएंगे, ठीक है, तो आपको पता है क्या उसका नाम है, जब आप टॉप पहाड़ पर आते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह की भी कमी होती है। मुझे भी इस टाइम यही जो है वो हो रहा है, टांगों में बिल्कुल जो है वो इस टाइम जान ख़त्म हो चुकी हुई है, और इस टाइम इस तरह गुनुदगी छाई हुई है कि अभी किसी टाइम अल्लाह ना करे जो है वो चक्कर आए और इंसान जो है यहीं से नीचे गिर जाए। अल्लाह पाक जो है वो हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी खुश फरमाए और खुश रखे, और कभी भी आज़ाद कश्मीर आएँ, अगर टूरिज़्म के हवाले से जो दोस्त हमारे बाहर जो है वो रहते हैं उन सब दोस्तों को मैं बताता चलूँ, देखे कितनी खूबसूरत जगह, ठीक है, ठंडा मौसम है, जस्ट लाइक 3-4 डिग्री टेम्परेचर है इधर, और बहुत ही जो है वो अच्छा मौसम, अच्छा वेदर, धूप वगैरह निकली हुई है और बर्फ़बारी भी हुई है अभी इस टाइम, रात को ही आई थिंक सो हुई है, क्योंकि अभी कुछ जो है इसमें फ्रेश है बर्फ़ और कुछ जो है वो इसमें बिल्कुल फ्रीज हुई भी है। तो आई होप आप सब दोस्तों को हमारी जो है वो मेहनत पसंद आई हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ यकीन माने अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों को ये चोटी दिखाने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे आया हूँ, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी जितनी दूर नीचे से जो है वो मैं देख रहा था इस चोटी को, मुझे नहीं लग रहा था कि ये चोटी जो है वो अबूर कर पाएंगे, लेकिन बस अल्लाह रसूल का नाम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम लोग यहाँ पे आए। आई होप आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सारा जो हमारा व्लॉग है आज का व्लॉग नंबर 3 वो कैसा लगा, और इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त दानिश शरीफ को इजाज़त दें और हमारे भाई इब्रार रवान साहब जो इस टाइम कैमरे के पीछे मौजूद हैं उनको भी इजाज़त दें। इस तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ तो आप सब दोस्तों की खिदमत में जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे, हम सब जितना स्क्वाड है उस सब की तरफ से आप सब दोस्तों को जो है वो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिंदों का भी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।